सुना है, जो भी चीज दैट कम्स अंडर द मोटर डेवलपमेंट. कल हमने इसी के बारे में बोला था कि मोटर डेवलपमेंट मूवमेंट एबिलिटी. ठीक है, अब इसको मूवमेंट एबिलिटी कब होती है या कैसे होती है हमारी, जब हम हमारी बोन्स, मसल्स, टिश्यूज ये मूव करते हुए मैनिपुलेट करते हैं, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह सामान रखना, खुद जाना, ये वाली चीजें करते हैं. अब ये मोटर डेवलपमेंट जो है वो बताया था दो तरीके की होती है. ठीक है, एक ग्रॉस है और दूसरी है फाइन. ग्रॉस वाली जो है बिग मसल्स एक्टिविटीज होती है, और फाइन जो है वो स्मॉल मसल्स एक्टिविटी होती है. ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है बेटा, फाइन स्पोर्ट्स फाइन मसल्स की एक्टिविटी में बिल्कुल बारीक चीजों को या छोटे छोटे मसल्स या बोन्स हैं उनके द्वारा ग्रिपिंग कैसे की जाती है और वर्क कैसे किया जाता है, हमने कल ये किया था. ठीक है, अब है हमारी पोजीशंस, यानी कि चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड कैसे कैसे हमारी ग्रॉस या फाइन डेवलपमेंट होती है मसल्स की. ठीक है, बर्थ से लेकर एक साल के बच्चे का उसमें क्या प्रॉब्लम आती है बेटे, पहले तो वो सिर्फ क्या करता है, लेटा रहता है बच्चा. ठीक है ना बेटा, धीरे धीरे उसमें उसे बिठाने की कोशिश की जाती है. उसमें क्या होता है, उसकी बैलेंसिंग ऑफ माइंड या स्पाइन नहीं होता है या ब्रेन का नहीं होता है, सिर उसका कंटिन्यू हिलता रहता है. व्हाई? बिकॉज स्टेबिलिटी नहीं आती है, सेटिंग नहीं हो पाती है. इवन हम देखते हैं कभी बच्चा यहाँ गिरता है, कभी वहां गिरता है. धीरे धीरे एज के साथ जब एक से दो साल का बच्चा होता है, खड़ा होना सीख जाता है, स्टेप की थोड़ी सी बैलेंसिंग करना है, क्रॉलिंग करना, ये सारी चीजें, और चीजों को ग्रेस्प करना सीखता है. जो भी चीज होती है उसे वो पकड़ना चाहता है, इससे ज्यादा वो नहीं करता. उसकी क्रॉस में ज्यादा परफेक्शन होती है, लेकिन फाइन की तरफ वो अभी मूव नहीं करता है. 3 साल से लेकर 6 साल का बच्चा जो है, हम कह रहे हैं जो प्री या प्ले वे में जाते हैं बच्चे, या नर्सरी से लेकर यू कैटरी तक के बच्चे हैं, उनमें क्या होता है, थ्रोइंग, कैचिंग, पिकिंग द थिंग्स, लिटिल बिट रनिंग और स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स, ये चीजें जो है वो ग्रेजुअली धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती हैं. और उसके बाद 6 साल से 12 साल का बच्चा जो है उसमें एक्टिविटीज डिफरेंट आ जाती हैं, जो वो रिदमिक के साथ, ग्रुप के साथ या हर फाइन एक्टिविटीज जो है वो करनी शुरू कर देता है. योगा करनी, स्विमिंग बच्चे सीखते हैं, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जो भी गेम्स हैं उनमें वो पार्टिसिपेट करना, परफेक्शन नहीं लेकिन पार्टिसिपेट के साथ साथ धीरे धीरे प्रैक्टिस करना, वो इन चीजों का सीख जाते हैं. और उसके बाद आती है टीन एज या एडोलेसेंट एज, विच इज अ एज जहाँ पर हम हर प्रकार की एक्टिविटीज जो हैं उन्हें हम बड़े तरीके से या बहुत फाइन वे से करना शुरू कर देते हैं. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेजेस हैं चाइल्डहुड की, इन्फेंट्स की या बॉर्न टाइप की या एडोलेसेंट एज की, जब हम ग्रॉस से फाइन की तरफ किस तरीके से मूव करते हैं. इसी में हमारा कल टॉपिक था, दैट वॉज पोस्चर, कि पोस्चर क्या होता है. ठीक है ना बेटा, अब पोस्चर जो है मैकेनिकल टूल है, एफिशिएंसी ऑफ द बॉडी वेयर द मिनिमम स्ट्रेस फील बाय द बॉडी. जब हमारे द्वारा किसी भी काम को करते हुए किसी पोजीशन में, अगर आप हम सिंपल लें तो पोस्चर 3 तरीके से होते हैं. स्टैंडिंग होता है, सिटिंग है, ठीक है ना बेटा, लेइंग. ये 3 पोजीशंस हैं जिनमें हम काम करते हैं, हर एक काम. ठीक है ना, स्टैंडिंग में भी डायनेमिक है और स्टैटिक है, खड़े होके बात करना, खड़े होके करना. मूवमेंट्स में है स्पोर्ट्स की या कोई भी एक्टिविटी करना, दैट कम्स अंडर द डायनेमिक. इन द सेम वे सिटिंग में एक जनरल सिटिंग है, एक जिसमें हम स्ट्रेचिंग
योगा या कोई भी एक्टिविटीज करते हैं। उसके बाद तीसरी आती है लाइंग पोजिशन, स्लीपिंग है, लेकिन हम अलग अलग प्रकार की जो एक्टिविटीज करते हैं वो भी इसके अंदर, वो इसके अंदर आती है। ठीक है ना बेटा। अब पोस्चर जो है अगर वो सही होगा तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं पहली बात। ठीक है, किसी भी तरीके के सबसे पहले वो होता है अगर हमारा नो वे वर यू प्लीज आउट अभी भी तुम एंटर नहीं कर सर, इनको मैडम के पास छोड़ो। आई एम नॉट गोइंग टू अलाउ दिस चाइल्ड, सॉरी। व्हाई? 10 मिनट से ज्यादा हो चुके हैं, प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। अब स्टैंडिंग पोजीशन जो है या सिटिंग पोजीशन जो है या लाइंग पोजीशन है उसके क्या, इनके क्या बेनिफिट, या प्लीज आउट ऑफ द डोर। हाँ बाहर हो जाए ना, कोई बात नहीं, वहां पे आराम से कर। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या होता है, जब हम एडवांटेज, पहला तो है हमारी वर्किंग कंडीशन बिल्कुल है अट्रैक्टिव रहते हैं, हमारी प्रॉपर डाइट होती है, वर्कआउट अच्छा होता है, अट्रैक्शन होती है। ठीक है ना, हमारी आउटलुक जब अच्छी आएगी हमारी आउटपुट अच्छी होगी, जब हम थकेंगे नहीं तो हम ज्यादा काम करेंगे। ये सारी चीजें किसके द्वारा होती है, व्हेन आवर पोस्चर इज गुड। जब हमारा पोस्चर खराब होता है उसके भी कॉजेज हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ सीधा बैठ जा पुत्र, सो रहे हैं सीधा हो जा प्लीज। ठीक है ना, अब ये क्या कंडीशंस हैं, इसमें मे बी एक्सीडेंट ड्यू टू सम और एक्सीडेंट, कोई भी मिस हैपनिंग हो सकती है जिसके द्वारा, ड्यू टू हेरिडिटरी, टाइम ऑफ बर्थ, कॉम्प्लिकेशंस कई बार आ जाती हैं जिसके कारण हमारा पोस्चर जो है वो सही नहीं रहता, माल न्यूट्रिशन। ठीक है ना, माल न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चे, व्हाट इज माल न्यूट्रिशन, और मुंह में क्या डाला हुआ है इमीडिएटली। पहले तो एथिक्स नाम की कोई चीज ही नहीं है तुम्हें, है ना, आप बताओ माल न्यूट्रिशन क्या होता है। अच्छा माल न्यूट्रिशन क्या है, क्या तुम, तेरे मुंह में नहीं है जुबान बोलने के लिए ऐसे करें। हाँ बोलो, न्यूट्रिशन क्या है, यानी कि न्यूट्रिशन के बगैर कोई नहीं, न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स और क्या है, माल न्यूट्रिशन किसके अंडर आता है, माल न्यूट्रिशन क्या है, यहाँ पर भोजन ही नहीं मिलता पहली बात। न्यूट्रिशन की तरफ तो बाद में जाएंगे, जिनके पास खाने के लिए ही नहीं है वो न्यूट्रिशन या न्यूट्रिटिव वैल्यू कहाँ से देखेंगे। ठीक है ना, पोषण जो है या खुराक जो है वो सही तरीके से क्या पूरी ना मिले, पहला क्वेश्चन आता है पूरी खुराक जितनी हमारे शरीर को चाहिए, अगर वो ही नहीं तभी तो गरीबी के स्तर को हम जब देखते हैं वहां पर लिखा होता है ना, कुपोषण के कारण ये बच्चे या इनकी हेल्प करें या इतनी एड्स क्यों आती हैं, टू अवेयर द पीपल रिगार्डिंग दिस कि किस तरीके से हमें लेना चाहिए। ठीक है ना बेटा, ये सारी चीजें क्या है, दे आर हेल्पफुल रादर कह लो इन अ नेगेटिव वे, जब हमारा पोस्चर जो है, आपने देखा होगा पोलियो के काफी केसेस जो है वो डाउनवर्ड या बिलो लेवल के ही आते हैं, क्यों, बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस इन द पीपल, इलिटरेसी, अनपढ़ता जो है वो सिर्फ हमें क्या सिखाती है, हमें अनपढ़ता में बहुत कम लोग सूझवान होते हैं, रीजन बीइंग कि हर बात पर अटक जाना, उसे ना समझना, बार बार हर एड को क्यों या गवर्नमेंट के द्वारा इतनी ज्यादा चीजें क्यों की जाती हैं, यहाँ तक कि अभी कोविड का भी देख लो, कोविड के लिए वैक्सीनेशन जो है उस पे भी लोगों के मतभेद हैं कि हमने नहीं लगवाना, या मिथ्य होते हैं माइंड में एक सेटिंग, फॉल्स सेटिंग होती है, नहीं इससे ये हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, इससे हो जाएगा, जो चीज प्रिवेंशन के लिए बनी है, नो डाउट पर्सन टू पर्सन इंटीरियर के हिसाब से हर चीज डिफर करती है, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज को इतनी रिसर्च के बाद बनाया जा रहा है, उस पर सर्च की जा रही है, तो दिस इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। ठीक है ना, ये होती है इलिटरेसी जो हमारी बैड पोस्चर में बहुत ज्यादा, जितनी बीमारियां हैं उसका ध्यान ना देना कि बच्चे की तरफ जब वो ग्रोथ में होता है किसका हमने कैसे पोषण करना है, ये क्या चीजें हैं। अगर तुमने सोशल स्टडी में पढ़ा होगा 8th 9th 10th में कि जितने ज्यादा हाथ होंगे किसान सोचते थे उतने ही
ज्यादा काम होंगे, लेकिन हमेशा किसी के कारण गरीब में या उस स्तर में ही रहे। ये है बैड पोस्चर्स या डिसएडवांटेजेस ऑफ बैड पोस्चर्स। ठीक है, अब आता है स्टैंडिंग पोस्चर। स्टैंडिंग पोस्चर का सही तरीका क्या है? दैट इज दैट वी शुड स्टैंड। जब हम खड़े होते हैं, नो डाउट हमारे शोल्डर विड्थ जितनी डिस्टेंस नहीं, लेकिन हमारे हमेशा फीट जो हैं, पैर जो हैं, वो 4 से 6 इंच तक खुले होने चाहिए। अगर आपने इतने सालों में, 15 साल होने वाले हैं, 2 साल अगर नहीं भी आए हो तो 10, ठीक है ना, 13-14 साल हो गए, आपको सुबह प्रेयर में स्टैंड एट ईज और अटेंशन करवाया जाता है, जिसका शायद आज तक आपको मीनिंग भी नहीं पता कि वो बोला क्या चाहता है। नॉट इवन अ सिंगल चाइल्ड नो द मीनिंग ऑफ दैट। स्टैंड एट ईज में हमेशा पैर खुलवाते हैं। क्यों खुलवाते हैं? बैलेंस ऑफ द बॉडी, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, गिरने का तुम्हारा जो बैलेंसिंग है वो बॉडी की सही रहे। और गर्मियों में खासकर तुम्हें अनाउंसमेंट की जाती थी कि बेटा इवन नेशनल एंथम के टाइम में भी पैरों को थोड़ा सा खोल के रखना, सो दैट योर बॉडी कैन बैलेंस, बैलेंस रहे तुम्हारी बॉडी और इसके चांसेस ऑफ इंजरी और फॉल के कम हो जाए। ठीक है, हमारी विड्थ प्रॉब्लम है, चिन हमारा अप होना चाहिए, हमारी बिल्कुल स्ट्रेट बैक, स्पाइन स्ट्रेट होगी, बात हम आई कॉन्टेक्ट बिल्कुल सही तरीके से करेंगे। दैट इज द एक्चुअल पोजिशन ऑफ स्टैंडिंग। ठीक है, ये है सिटिंग में हमारा। अगर हम चेयर पर बैठे हैं तो हमारी पोजिशन जो है वो सही तरीके से होनी चाहिए। 45 डिग्री का यहाँ पर बनना चाहिए, हमारे पैर जमीन पर लगे हुए होने चाहिए, हमारी बैक स्ट्रेट। इसलिए हमेशा प्रेफर करते हैं कि आम, अगर आपने देखा होगा तो लकड़ियों की, लकड़ी की चेयर और लोहे की बनाई जाती है स्ट्रेट। उसका रीजन ही क्या है? उसका रीजन ही यही है कि हमारी बैक जो है वो स्ट्रेट रहे, टेबल जो है वो हमेशा हमारे नीज से ऊपर होना चाहिए और हमारे आई कॉन्टेक्ट के सही तरीके से, ताकि हमारी बेंडिंग ना हो यहाँ से, पोस्चर जो है कमर से ना हो। इससे क्या होता है, आजकल जो मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हैं दैट इज रिगार्डिंग द सर्वाइकल, नेक की है या फिर बैक की है, उसका मेन कारण ही यह है कि जो फर्नीचर है वी आर गोइंग टू कम्फर्ट, और जहां पर कम्फर्ट होता है वहां पर गेन कम होता है। जहां पर हार्ड होगा वहीं पर तुम्हें अचीवमेंट होगा। ठीक है, लाइंग पोजीशन जो होती है उसका भी, नहीं तो आम लोग जो होते हैं सुबह उठकर, रादर देन टू से दैट वी आर फ्रेश, दे फील मेरे यहाँ पेन हो रही है, मेरे गले में बल पड़ गया है, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, मेरा ये, द रीजन बिहाइंड दैट इज दैट योर बेड, तुम्हारा पोस्चर लेटने का वो सही नहीं होने के कारण तुम्हें भिन्न भिन्न प्रकार की सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो रात के समय है वो सही नहीं होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन सही जगह से नहीं जा पाती, जिसके कारण हमें अलग अलग प्रकार की पेन्स जो है वो होती रहती है, या हमारी बॉडी जो है वो फ्रेश नहीं होती है इतने घंटे लेटने या रेस्ट करने के बाद भी, उसमें रादर फटीक ज्यादा रहती है, थकान ज्यादा। इसलिए पोस्चर का जो रोल है वो बहुत जरूरी है, शरीर का सही तरीके से खड़े होने का, बैठने का और लेटने का तरीका बहुत ही जरूरी है। नाउ द थिंग इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफॉर्मिटीज। डिफॉर्मिटी फॉर्मेशन है सही तरीका, डिफॉर्मिटीज है जहां पर हमारी क्या होता है, बनतर जो है, बनावट जो है उसमें खराबी है। कल ये बताया था कि स्पाइन, स्पाइनल कर्वेचर की कौन कौन सी होती है। ठीक है बेटा, स्पाइनल बैकबोन जिसे हम कहते हैं, रीढ़ की हड्डी जिसके द्वारा हमारा जो शरीर है वो पूरा खड़ा है। ठीक है ना, हमारी जो एक्टिविटीज हैं या जो कुछ भी है वो स्पाइनल कर्वेचर के द्वारा ही सही होती है। और इसमें हमने कल देखा था कि 3 प्रॉब्लम्स जो हैं, 3 जो हैं वो स्पाइनल से रिलेटेड है, दैट इज लर्डोसिस, ठीक है, काइफेटिक या काइफोसिस, स्कोलियोसिस, ये 3 मैंने कल बताई थी। ठीक है बेटा, अब हम
इसकी क्या स्ट्रक्चर है ये देख लीजिए, स्पाइन बिल्कुल सीधी रखनी चाहिए, ठीक है बेटा। कईयों को हमने देखा होगा इसमें इवन राउंड जो बैक है वो भी आता है, ठीक है। कईयों के हमने देखा है यहाँ से मुड़ा हुआ होता है, यहाँ से टमी आगे को हो जाती है, जब ऐसे करते हैं तो कई लोग ऐसे चलते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर हॉलो रहता है, बैक में हॉलो है, यहाँ पर भी जिनके यहाँ से सीधा होता है यहाँ से आगे को होता है, दैट इज लर्डोसिस। जिनका नीचे से सीधा होता है ऊपर से कर्व, कई लोग ऐसे चलते हैं ना, ऐसे बात करते हैं, वो किस लिए होता है, उनमें दो है प्रॉब्लम्स, वो या तो स्टार्टिंग से बॉडी में है, नहीं तो आमतौर पर पेरेंट्स या टीचर्स जब ध्यान नहीं देते कि बच्चा ओवरलोडिंग बैग लेके आता है या सामान, उसका शरीर जो है वो आगे वो ध्यान नहीं, उस समय नहीं ध्यान दिया जाता है, लेकिन वो फिर एक फीचर बन जाता है, वो इसी तरीके से। तीसरा इसमें होता है जो मैंने आमतौर पर बोला है क्लोदिंग का, हमारे शरीर पर ये नहीं देखना चाहिए कि फैशन है, ये देखना चाहिए कि हमारे शरीर के लिए कौन सी कपड़ा और कौन सा जूता सही है, जो हमें कन्वीनियंट हो, हमें प्रॉपर रखे, हमें मैक्सिमम आउटपुट दे, फिटिंग हो, टाइट हो, जिसमें हमारी बॉडी स्ट्रेच नहीं, चल 3 घंटे ही जाना है फंक्शन पे 4 घंटे, लेकिन उसके बाद तुमने अगर 2 दिन उस चीज को इसके लिए सफर होना है तो ऐसी चीज को शन करना ज्यादा बेटर है, अवॉइड कर दो ऐसी चीज, ठीक है। स्कोलियोसिस में क्या होता है, आमतौर पर रीढ़ की हड्डी की इंक्लिनेशन जो है वो एक तरफ हो जाती है, आम देखा होगा कई लोग ऐसे चलते हैं, रीढ़ की हड्डी जो है वो थोड़ी सी एक तरफ, जिसके कारण तुम्हारे कंधे का एस बन जाता है, अगर ध्यान से एक ऊपर रहता है एक नीचे होता है, चाहे किसी भी साइड का हो। ये क्या है, आमतौर पर जो वेट उठाते हैं ना बाल्टियां लेके या बैग को यहाँ टांगे रखते हैं, मैक्सिमम वेट ये होती है। उसके बाद आती है हमारे पास राउंड, इस तरीके से कईयों की बात करते हुए देखिए, दिस इज जो जेस्चर रीडिंग करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि कहाँ पर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, कहाँ पर लैकिंग है, कॉन्फिडेंस जो है वो कभी नहीं आ पाता। नॉलेज अलग चीज है, पहले तुम्हारी अपीयरेंस बात करती है पोस्चर में, इस चीज का हमेशा ध्यान रखो। उसके बाद ये स्पाइनल कर्वेचर के हैं, उसके बाद के जो हैं वो हमारे 4 हैं, नॉकनी, बो लेग, फ्लैट फुट, और कोई हो सकता है, सॉरी फ्लैट फुट और कोई हो सकता है, नॉकनी है, बो लेग है, फ्लैट फुट है, और कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं हो सकती, यही थी ना, नॉकनी क्या होती है, घुटने जो है, नीज जो है, ऐसे लोग प्लेयर नहीं होते, एथलीट नहीं हो सकते, रीजन बीइंग कि उनकी रनिंग में दीज नीज आर वेरी मच हिंड्रेंस टू देम, दिस इज ड्यू टू माल न्यूट्रिशन, हड्डियों में जो है वो क्या हो जाता है, बदलाव आता है, और कई बार ये ड्यूरिंग बर्थ भी मसल्स जो है बाद में बोन्स बनती हैं, उससे पहले मसल्स, अगर हम इस चीज को देखें या पुराने जमाने में इस चीज की नॉलेज तो नहीं थी लोगों को, लेकिन ये पता था कि बच्चे को हमने बांध के लिटाना है, उससे क्या होता था, उसकी थोड़ी बहुत जो डिफॉर्मिटीज होती थी वो ठीक हो जाती थी, लेग्स को उन्होंने सीधा कर देना, सारी बाजू वगैरह, और उसको लपेट देना बच्चे को वो, और उसके बाद खोलते थे, उसका रीजन क्या था कि थोड़ी देर स्टॉप होने के बाद जब उसको रिलीज करते थे बच्चे को कपड़े में बंधे हुए को, तो उसकी सर्कुलेशन फास्ट होती थी, जिसके कारण उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता था, वो रीजन मेन ये था, लेकिन आमतौर पर इस चीज का ज्ञान ऐसे नहीं था। अब तो चलो सब चीजें हम साइंस के साथ करते हैं। इन द सेम वे बॉल एग, इसमें घुटने जो है पैर जुड़े होते हैं, लेकिन उनके घुटनों से लेकर यहाँ तक, थाइस के बाद घुटनों से लेकर यहाँ तक की जो है
कंडीशन, इसे हमेशा बेयर वॉक भी कहते हैं वैसे, ठीक है, लेकिन तुम्हारी उसमें नहीं है, मत यूज करना। बो लेक में धनुष, जैसे धनुष होता है ना, तीर कमान जिसको बोलते हैं, कमान, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। इनके लिए भी वर्किंग जो है वो टफ होती है, क्योंकि जब हम सीधे या सही तरीके से किसी चीज के का बेनिफिट जो होता है वो हमेशा उसी का ही रहता है। फ्लैट फुट क्या है? आमतौर पर हम ना इस चीज का कभी ध्यान ही नहीं दे पाते हैं कि, ठीक है, पैरों का यहाँ पर हमारे आर्क बना होता है। जूतों में भी आपने अगर देखा हो तो ये आर्क बनना बहुत जरूरी है। इस चीज में हमेशा कहा जाता है कि ये सारी कंडीशंस जो हैं, पेरेंट्स शुड बी एजुकेटेड। पेरेंट्स का पढ़े लिखे होना, समझदार होना या अलग अलग ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। वाई? सो दैट दे कैन सी देयर चाइल्ड, या उसको बाद में इन चीजों से इनफेरिटी कॉम्प्लेक्स आए, या उस बच्चे को समाज में या सोसाइटी में उसको मूव करते हुए शर्म है। ये पेरेंट्स की ड्यूटी है इसको, फ्लैट फुट को चेक करने के लिए, क्योंकि हमारे फीट के मसल्स वीक होते हैं। इनके अलग अलग कंडीशंस भी हैं कि इन्हें कब और कैसे ठीक किया जा सकता है। अर्ली स्टेज में अगर पता चल जाए तो इसकी रेमेडीज बहुत अच्छी हैं और बहुत गुड रिजल्ट देती हैं। बच्चे के पैरों को गीला करके जब हम रखते हैं फर्श में या किसी स्टेबल चीज में, तो हमें पता चल जाता है कि इसके आर्क बना है या नहीं। अकॉर्डिंग टू दैट शूज आर देयर, स्टार्टिंग में उसे रेत में खड़ा किया जा सकता है। फ्रिज में गोल बोतल जो है उसे रखो ताकि वो बर्फ बन जाए, या बेलना जो होता है उसके ऊपर रोलिंग करवाने से मसल्स जो हैं वो शेपेंड हो जाते हैं। ये चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है अर्ली स्टेज में। जो कई बार बच्चे पेरेंट्स क्या कहते हैं, या बुजुर्ग घर में जो होते हैं ना, वो ही सपोर्ट ऐसा मसाते चलना शुरू हो जाए, चलन दो, वो क्या होता है, बच्चा टेढ़ा मेढ़ा चलते हुए उसकी वो एक हैबिट में शामिल हो जाता है, और उसकी जो कॉम्पोजिशन होती है वो प्रॉपर ना होने के कारण क्या होता है, उसका बाद में जाकर